लोग प्रतिपदा का उत्सव संपन्न करने यहां पर आए हैं। क्योंकि संघ में हम उत्सवों का जो निर्वहन करते हैं तो सारे उत्सव अपनी परंपरा के ही उत्सव है, इस देश में सदियों से चलते आए हुए उत्सव है, परंतु लंबी परंपरा के पश्चात उत्सव किसी न किसी प्रकार के सांप्रदायिक कर्मकांड में और घर परिवार तक सीमित होके रह गए। संघ जिन छह उत्सवों की पालना करता है उनको उनके सामाजिक राष्ट्रीय आशय के साथ जोड़कर उसको संपन्न करता है, और इसलिए एकाध बार अपवाद करना पड़े तो प्रतिपदा का उत्सव तृतीया को भी हो सकता है। बात तिथि कौन सी है ये नहीं है, उत्सवों के पीछे क्या है, क्यों ये उत्सव मनाना, केवल आनंद व्यक्त करने के लिए उत्सव मनाने हैं तो आनंद व्यक्त करने के लिए तिथि की भी जरूरत नहीं रहती, परंतु अपने राष्ट्रीय इतिहास के किसी घटना विशेष को लेकर उस घटना विशेष की तिथि पर उस घटना विशेष के पीछे जो भाव प्रकट हुए, जो विचारों का सार प्रकट हुआ, उसका एक बार फिर से स्मरण करना और उसको अपने जीवन में उतारना, इसके लिए उत्सवों की प्रासंगिकता होती है। और इसलिए ऐसा ही अपना यह नव वर्षारंभ का दिवस है, वर्ष प्रतिपदा, यह संकल्प का दिवस है। संकल्प करना और प्राणपण से उसके लिए प्रयास कर उसको सफल करना, प्राचीनतम घटना इस तिथि के पीछे बताते हैं कि यह सृष्टि का प्रारंभ है। परमपिता परमेश्वर को जब लगा कि मैं अपने निराकार अस्तित्व में अकेला हूं, अब ऊब गया हूं, मन बहलाने के लिए मुझे अनेक होना है, एको अहम बहुश्याम, तो ये संकल्प मन में आते ही सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। ईश्वरीय गुणों की पराकाष्ठा जिसमें है वो स्वयं ईश्वर ही है, तो उसके संकल्प मात्र में इतनी शक्ति है कि संकल्प का उदय होते ही वो पूर्णता फलित भी हो गया। जब सृष्टि के स्तर पर वो उतरता है, प्रत्येक मानव में अपना अंश मात्र रखकर उस मानव को सृष्टि में खेलने के लिए छोड़ देता है, तो मानव तो ईश्वर का पूर्ण रूप नहीं है। ईश्वर की अभिव्यक्ति कम अधिक होती है प्रत्येक मानव में से, उसकी अपनी शक्ति के अनुसार उसके संकल्प का फल उसको तुरंत या बाद में मिलता है। ऐसा ही अपना देश परचक्रों से पीड़ित था, शकों का आक्रमण हुआ था और सारी भूमि को विजित कर शक सम्राट यहां पर सुखे नहीं वो राज्य कर रहे थे, इस भूमि की संपत्ति को लूट रहे थे, यहां की परंपरा संस्कृति यहां के लोगों का मन इसका कुछ न विचार करते हुए मनमाना कानून अपना चलाते थे और संपूर्ण समाज में इसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तब एक बालक शकों के यहां आने के पहले जो राजा थे उनके राजवंश का बालक शक सम्राटों की उस अत्याचारी गुलामी से भयभीत होकर उसको छुपाया गया था मिट्टी का काम करने वाले घड़े बनाने वाले कुम्हारों के घर में।
तो कथा रूपक में ऐसी बताई जाती है कि उसने मिट्टी के सैनिक तैयार किए, मिट्टी के घोड़े, मिट्टी की तोपें तैयार की और अपने सामर्थ्य से उनमें प्राण फूंका और उस सेना के आधार पर शकों का निर्दालन करते हुए देश को स्वतंत्र किया। उस शालिवाहन सम्राट के विजय के शक का प्रारंभ वर्ष प्रतिपदा है। लेकिन हुआ क्या था? मिट्टी के पलिंदे जैसा समाज पड़ा था, अत्याचार सहन कर रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। शालिवाहन ने उस समाज के मन में स्वाभिमान जगाया, अपने कर्तृत्व पर विश्वास जगाया और उस समाज की संगठित शक्ति के आधार पर परकीयों को अपनी भूमि से खदेड़ दिया। जो वर्ष प्रतिपदा के दिन सुबह हम ध्वजारोपण करते प्रत्येक घर पर, उसके पीछे यह कहानी है। विजय ध्वज फहराते, संकल्प किया, उसके अनुरूप प्रयास किया और संकल्प को सिद्ध किया। संयोग से यह वर्ष प्रतिपदा संघ निर्माता डॉक्टर हेडगेवार का जन्म दिवस भी है। भारत के नवोत्थान का संकल्प जो नियति के रूप में आया, वही मानो डॉक्टर साहब का रूप लेकर जन्मा। भारत का नवोत्थान किस बात की प्रतीक्षा कर रहा था और आज भी कर रहा है? स्वामी विवेकानंद विदेश से पहली यात्रा अपनी विदेश की पूरी कर जब लौटे, तब कोलंबो उतरे, वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, भाषण हुआ। वहां से चेन्नई आए, वहां भी एक विशाल सभा में युवकों को उन्होंने संबोधित किया और जैसे उनके शब्द रहते थे, अग्निगर्भ शब्द, सब में चैतन्य का संचार करने वाले। भाषण के बाद एक युवक ने उनको प्रश्न किया कि स्वामी जी, आपके विचार ने हमको तो झकझोर कर रख दिया है, जगा दिया है। अपने देश को इस प्रकार की पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, आप हमको पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों नहीं देते? हम स्वतंत्र हो जाएंगे आपके जैसा लीडर मिला तो। तो स्वामी जी ने तपाक से उत्तर दिया कि दूंगा, वो भी करूंगा। और क्या समझते हो, मैं लीडरशिप तुमको दूंगा, कल सुबह मैं भारत को आजाद करा सकता हूं। लेकिन आगे का वाक्य उन्होंने कहा कि आजाद तो करा दूंगा, लेकिन उस आजादी को तुम सुरक्षित रख सकोगे क्या? ये प्रश्न है और इसका उत्तर हम सबको देना है। अपने देश के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले सभी महापुरुषों ने कभी ना कभी अपने जीवन में समाज को इस प्रश्न को पूछा है और इसका उत्तर भी बताया है। संविधान सभा में संविधान का खाका तैयार हो गया और संविधान को संसद को अर्पित किया गया 25 नवंबर, वो तारीख है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का उस समय भाषण हुआ संसद में, उस समय की जो संविधान सभा थी उसमें उसमें उन्होंने इसी बात को कहा कि हमारा देश किसी विदेशी शक्ति ने अपने बलबूते कभी जीता नहीं। हमारा इतिहास बताता है कि अपने छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों को लेकर आपस में झगड़ते हुए हम लोगों ने अपने भेदों के कारण अपने देश को गुलाम बनाने में परकीय ताकतों की मदद की। आगे वो कहते हैं कि आज भी हम इस नवस्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी को अंगीकृत करने जा रहे हैं, परस्पर विरोधी विचार के और इसलिए एक दूसरे से एक तरह से लड़ाई करने वाले शिविर बनाकर हम उसमें बैठे हैं। संसदीय प्रणाली में ये चलेगा, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा
कि हम सब लोग एक है। स्वतंत्रता और समता को लेकर तरह तरह के पंथों को लेकर हम लोग अलग अलग शिविर बनाकर बैठे हैं। मैं उनके शब्द नहीं बता रहा हूं, भाव बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इस तत्वत्रयी का मैंने भी स्वीकार किया है, लेकिन वो तत्वत्रयी मैंने फ्रांसीसी राज्य क्रांति से नहीं ली। इस मिट्टी से उपजे तथागत बुद्ध के विचार से मैंने उसको स्वीकार किया है, क्योंकि दुनिया का अनुभव ऐसा है कि अगर स्वतंत्रता को लाने जाते हैं तो समता संभव नहीं, विषमता रहेगी, स्तर रहेगा, दर्जे रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। और समता लाने के लिए जाएंगे तो स्वतंत्रता को कुंठित करना पड़ेगा, अवरुद्ध करना पड़ेगा। स्वतंत्रता और समता एक साथ लाने का रास्ता दुनिया में किसी को मिला नहीं है, क्योंकि वो एक साथ तभी आ सकती है, आ सकती है, लेकिन एक साथ तभी आती है जब उसके साथ बंधुता हो, बंधुभाव हो। उस बंधुभाव को ही अपनी परंपरा में धम्म कहा गया है, उसी को मैं धम्म कहता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। यही धर्म है। उनको भी यह चिंता थी। उन्होंने कहा कि अगर आपस के भेदों को भूलकर एक देश के नाते हमने अपने जीवन को जिया नहीं तो मात्र यह दिया हुआ संविधान आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। वही प्रश्न है, हमने तो बनाया संविधान, लेकिन क्या उसके आधार पर इस देश को आप ठीक से चलाएंगे, स्वतंत्र रखेंगे? डॉक्टर साहब के मन में भी यही प्रश्न था। और यह संयोग नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं डॉक्टर हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे, और इसलिए प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे उसी समय से अपने देश के गुलामी के प्रति उनके मन में एक चिढ़, एक तिरस्कार पैदा हुआ था और व्यक्त भी होता था। प्राथमिक विद्यालय में थे तब, रानी के, ब्रिटिश रानी के राज्यारोहण समारंभ की सिल्वर जुबिली अपने देश में मनाई गई, स्कूल में मिठाइयां बांटी गई, इनको भी अपने स्कूल में मिठाई दी गई, उन्होंने फेंक दी। शिक्षकों ने आश्चर्य से पूछा, अरे मिठाई तुमने कचरे में फेंक दी? तो उनका उत्तर था कि अपने देश को गुलाम बनाने वालों के राज्याभिषेक का उत्सव हम क्यों संपन्न करें? उस निमित्त जो बांटी जाने वाली मिठाई है वो हमारे लिए तो विष है। बचपन से ऐसा स्वभाव मनोभाव होने के कारण पूरे उनके जीवन में कर्तव्य निष्ठा उनकी कभी छूटी नहीं। परिस्थिति बहुत बिकट हुई, बचपन में ही अनाथ हुए, दो वक्त भोजन ठीक से मिलेगा इसकी भी कोई संभावना जीवन में थी ही ऐसा नहीं। कभी कभी रास्ते के लाइट के नीचे पढ़ाई करनी पड़ी। इस प्रकार का कठिन दारिद्र्यपूर्ण जीवन बचपन से उन्होंने जिया, लेकिन अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल आना, पहले 10 में आना उनका कभी छूटा नहीं। डॉक्टर बनने के बाद पढ़ाई पूरी करने तक, और दूसरी बात, देश के हित के लिए चलने वाले सभी आंदोलनों में सहभाग करना उनका कभी छूटा नहीं, जीवन भर नहीं छूटा। वो क्रांतिकारकों में रहे, क्रांतिकारकों की अखिल भारतीय समन्वय समिति, अनुशीलन समिति जो कलकत्ता में थी, उसके अंतरंग सदस्य थे। कांग्रेस के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में, संघ स्थापना के पहले एक बार और संघ स्थापना के बाद एक बार, एक एक साल सश्रम कारावास का भुगतान उन्होंने किया। उन्होंने स्वदेशी वस्तु भंडार चलाया, जनता के प्रबोधन के लिए एक वृत्तपत्र चलाया, उसके प्रबंध संपादक रहे और संपादक भी रहे। तरह तरह के उत्सवों में सार्वजनिक भाषण करके वो समाज को जगाना उन्होंने कभी बंद नहीं किया।
ऐसा जीवन सतत सक्रिय देश के लिए होने के उनकी प्रतिज्ञा थी। आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपने जीवन का संपूर्ण कर्तृत्व इस जन्म में अपने देश के लिए ही खर्च करना, अपना स्वयं का घर गृहस्थ का विचार वगैरह अगले जन्म के लिए छोड़ देना, और उसको उन्होंने निभाया। तो स्वाभाविक है कि देश के उत्थान के लिए काम करने वाले तरह तरह के प्रामाणिक निस्वार्थ बुद्धि ऐसे महापुरुषों से उनका निकट संपर्क आया, चर्चाएं हुई। सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, इन सब से उनकी चर्चाएं हुई और उनके बात में मन में ये बात ध्यान में आई कि सबके मन में यही प्रश्न है कि इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा देश है और सब प्रकार से प्राकृतिक रीति से समृद्ध देश है, गुणवान लोगों का देश है, परंतु मुट्ठी भर परकीय बाहर से आए, देखते देखते उत्तर से दक्षिण उन्होंने इस देश को जीत लिया, उसको गुलाम रखा, कोई नेतृत्व मिला, समाज जागा, लड़ाई की, वो चला गया, दूसरा आया, उसने भी वही किया। ये बार बार पिटने लूटने का जो इतिहास है वो कैसे हो सकता है इस देश में? इसका मतलब कि हमारे कुछ अंगभूत दोष है, उन दोषों को दूर कर देश के लिए जीने मरने वाला संगठित समाज इस देश में अगर खड़ा नहीं होगा तो हमारे प्रयत्नों से हमने जो प्राप्त किया है उसको रखना समाज के लिए मुश्किल होगा। और इसलिए हम सबके कार्य की पूर्ण सफलता की कुंजी है इस समाज को तैयार करने में। कोई इस काम को करे, इसकी आवश्यकता है। डॉक्टर हेडगेवार का भी यही निष्कर्ष था और इसलिए उन्होंने सोचा कि बाकी अन्य सब जो तात्कालिक काम करने हैं उनको करने के लिए बड़े बड़े लोग लगे हैं और उनके करने से वो हो जाएंगे, लेकिन उनके सबके करने को पूर्ण बनाने वाला एक काम रह गया है, वो करने की फुर्सत इन लोगों को नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना काम चुन लिया है, और इसलिए ऐसा एक मूलभूत काम करने की आवश्यकता है। तो मैं सब कामों को छोड़कर इसी काम को करूंगा, और इसलिए उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए और संपूर्ण समाज को गुण संपन्न संगठित देश के लिए जीने मरने वाला समाज इस नाते खड़ा करने के लिए एक पद्धति का निर्माण किया। उस पद्धति का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वर्ष प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के साथ उनका जन्म हुआ और अपने इस संकल्प को करते हुए, इस संकल्प को पूर्णता की ओर जाता हुआ देखकर उन्होंने आंखें मूंदी, मृत्यु का वरण किया। उसके पहले नहीं, मृत्यु के पहले संघ शिक्षा वर्ग में आखिरी बौद्धिक के लिए वो जब आए तब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि भारत के प्रत्येक प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाला स्वयंसेवकों का समूह तृतीय वर्ष की शिक्षा लेकर दीक्षांत के लिए अपने सामने बैठा है, हिंदू राष्ट्र का एक छोटा सा स्वरूप देखकर वो गए। उनके उस संकल्प को पूर्ण स्वरूप में साकार करने का उत्तरदायित्व हम लोगों का है, और इसलिए हमको वर्ष प्रतिपदा को यह सोचना चाहिए कि हमारा संकल्प क्या हो। उस संकल्प की सिद्धि कैसे हो, संकल्प हमारा क्या हो, इसके मन में, इसके बारे में तो किसी के मन में कोई शंका नहीं। रोज शाखा में जाते हैं और अपने संकल्प का सामूहिक उच्चारण हम सब लोग करते हैं। विजेत्री च नः संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु। समाज की संगठित शक्ति के आधार पर नित्य विजय प्राप्ति करते हुए
भारतवर्ष का संपूर्ण दुनिया को जो मूलभूत और महत्वपूर्ण अवदान है धर्म, उसकी सुरक्षा करते हुए हम लोग इस राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए समर्थ होना चाहते हैं। ये काम करना है, इसको गांव-गांव में, गली मोहल्ले में पहुंचाना है और सारे समाज को राष्ट्रभक्ति के, देशभक्ति के इस सूत्र में आबद्ध करते हुए समाज के लिए संगठित गुण संपन्न, देश के लिए गुण संपन्न बनाना है और अपने देश को विश्व गुरु पद प्राप्त करा देना है। सारी दुनिया में भारत माता की जय हो, उत्स्फूर्त जय हो, यह हमको करना है। इसलिए रोज हम अपने सामूहिक संकल्प के अंत में भारत माता की जय करते हैं। संघ में एक ही जयकारा चलता है, भारत माता की जय, और कुछ नहीं। यह काम हमारा है तो हमको फिर क्या करना चाहिए, कौन सा संकल्प करना चाहिए? यह सामूहिक संकल्प तो हमारा है पहले से, लेकिन संकल्प की सिद्धि तब होती है जब संकल्प के पीछे आचरण होता है। केवल संकल्प के जरिए काम नहीं होता, संकल्प के अनुरूप अपने आप को बदलना पड़ता है। अब मैं जिस सायम शाखा का स्वयंसेवक हूं, वहां पर एक सुभाषित चल रहा है आजकल, उसमें आचरण की महती बताएंगे। आचार परमो धर्म, आचार परमम तपम। आचारात किम नु साध्यते, आचार से क्या नहीं सिद्ध होता, आचरण से क्या नहीं सिद्ध होता? हमारा सामूहिक संकल्प हम जानते हैं, प्रतिनिधि स्वयंसेवकों का व्यक्तिगत संकल्प भी वो जानते हैं। अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति, सारे विश्व को सुख शांतिमय विश्व बनाने वाला मानव धर्म प्रदान करने का उत्तरदायी भारत है, उसकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं ये करने के लिए हमको कैसे चलना पड़ेगा, इसका हम विचार करें। प्रत्येक स्वयं सेवक को जैसा विश्व होना चाहिए, जैसा भारत का समाज होना चाहिए, वैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सिखाने की पद्धति यही है। हम उपदेश से नहीं सिखाते, उदाहरण से सिखाते हैं। ये जो सब मैं बोलूंगा आपके सामने और बोल रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है, ये मेरे मन की कल्पना नहीं है। 90 वर्षों से संघ के स्वयंसेवकों ने जो आचरण किया है उसको मैं अपने भाषणों से बोलता हूं। संघ में भाषण बाद में होते, भाषण होते ही नहीं। नागपुर के एक हमारे पुराने कार्यकर्ता कहते थे कि संघ में बोलने का बिल्कुल काम नहीं है, संघ में काम का बोलना है। बौद्धिक वर्ग बाद में आए संघ स्थापने के बाद, डॉक्टर साहब का जीवन पहले था। ध्येय आया देह लेकर, ऐसा जीवन हमारे सामने था, उस जीवन का वर्णन हमने बौद्धिक वर्गों में किया और इसलिए लोगों को विश्वास हुआ कि हां, क्योंकि देख रहे थे। आज भी हम बातें बताते हैं तो समाज के लोगों को अपने पड़ोस में रहने वाले स्वयंसेवक के आचरण का अनुभव आता है, तब उनका विश्वास होता है। संघ का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन प्रभाव से भी ज्यादा संघ के प्रति विश्वास बढ़ा है और हमारे लिए वो महत्व की बात है। और उसका एकमात्र कारण है कि संघ के स्वयंसेवकों ने जो किया वही बोला। तो वही हमको करना है।
अगर संपूर्ण समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठित करना चाहता है तो प्रत्येक स्वयंसेवक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनना होगा। हमारे आचरण में हमको अपने राष्ट्रीयता का स्पष्ट परिचय देना होगा। हमारी राष्ट्रीयता, भारत की राष्ट्रीयता क्या है, संघ के सामने स्पष्ट विचार है। अभी व्यक्तिगत गीत आपने सुना, उसमें वो विचार पूरा आया है। अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। वसुधा पृथ्वी, उसके ऊपर रहने वाले मानवों, जल, जमीन, जंगल, जानवर सहित, ये पृथ्वी कुटुंब है, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। आज सारे दुनिया के चिंतक इसको बोल रहे हैं। क्षुद्र संकुचित स्वार्थों के चलते जो भेद उत्पन्न हो रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए कह रहे, लेकिन किसी ने छोड़ा था क्या, और कभी ऐसे दुनिया चली थी क्या, ऐसा अगर पूछते तो वो निरुत्तर हो जाते। भारत का व्यक्ति निरुत्तर नहीं है तो वो कहता है हाँ हमने ऐसा किया था, हमने दुनिया को ऐसा बनाया था, दुनिया ऐसी चली, ये हमने देखा है, ये हमारी परंपरा है, उसकी आवश्यकता है आज विश्व को। विश्व की उस आवश्यकता को पूर्ण करने का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य पूरा करने वाला समाज उन आदर्शों के आधार पर करना पड़ेगा। विवेकानंद ने जब कहा उस युवक को, पूछा कि क्या तुम उस स्वतंत्रता का रक्षण कर सकोगे, तो निरुत्तर हो गया। विवेकानंद ने आगे उसको कहा कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए अपने राष्ट्रीय प्रकृति पर संगठित होकर खड़ा हुआ है ऐसा समाज आवश्यक है। अपनी राष्ट्रीय प्रकृति क्या है उसका वर्णन मैं करूंगा तो दुनिया में कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा, कोई भी विरोध नहीं करेगा, सब लोग वही बोलते हैं। और अनादिकाल से हमारे पूर्वजों ने वही कहा है और आज भी हमारे समझदार लोग वही बोलते हैं, वही वर्णन है और कुछ नहीं है। बस उसका नाम जब हम बोलते हैं तब लोगों में जरा चल भी चल हो जाती है। हम कहते हैं ये हिंदू विचार है तो एकदम सब लोग, अस्वस्थ हो जाते। उसका कारण हम नहीं है। हम जब जब हिंदू शब्द का उच्चार करते हम सारे सृष्टि के जड़ चेतन के विचार को ध्यान में रखकर ही हिंदू कहते हैं। ये तो जिनकी बुद्धि छोटी हो गई उन्होंने हिंदू को मर्यादित कर लिया पंथ संप्रदायों में, पूजा पद्धतियों में। हम उसका विचार नहीं करते। हम पूछते ही नहीं संघ में जो आता है उसको, तुम किस छोटे तबके के हो, ये नहीं पूछते। भारत माता की जय कहना है, भगवे ध्वज जिन तत्वों का निर्देश करता है उन तत्वों का समर्थन करना है, ये मानकर जो शाखा में आता है उसको हम बाकी कुछ नहीं पूछते। परिचय के लिए नाम वाम पूछते हैं और कोई भी नाम सुनाई दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनके मन की वो संकुचितताएं अभी पूरी गई नहीं उनमें चल भी चल होती है, होती है तो होने दो। हमको तो सबको सिखाना है, सबको अपने पंक्ति में लाकर खड़ा करना है, सारे समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाना है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कड़ा विरोध करने वालों सहित, तो वो तो उपदेश से होगा नहीं, वो तो जीवन से होगा, अपने जीवन के उदाहरण से होगा। और इसलिए अपने जीवन में उस राष्ट्रीयता के उद्घोष का बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए। अपना काम किसी के विरोधी नहीं है, अपनी राष्ट्रीयता किसी के विरोधी नहीं है, वो सबको अपना मानने वाली है। हम संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहते हैं, सब लोग हमारे,
और इसलिए बिना संकोच हम कहे, और केवल कहे नहीं, अगर हिंदू कहना है तो अच्छा पक्का सच्चा हिंदू बनना पड़ेगा, और अच्छा पक्का सच्चा हिंदुत्व कर्मकांड में नहीं है। अच्छा पक्का सच्चा हिंदुत्व मन के उदार व्यवहार में है, यम नियमात्मक आचरण में है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, तप, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान। किसी की हो तो उससे उसका संरक्षण करने की शक्ति अपने को चाहिए। अपने आजीविका के जीवन में ये सारी बातें आचरण से प्रकट होनी चाहिए, तब हम राष्ट्रीय आचरण वाले लोग होंगे। और यह विचार हमको देने वाली हमारी भारत माता है, वो सुजल सुफल मलयज शीतल, सब प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न, हमारा सबका पालन पोषण करने वाली। और ऐसी होने के कारण हमको संतोष करने के लिए सिखाने वाली, हमको सबका प्रतिपालन करने के लिए सिखाने वाली, जीवन की स्पर्धा से हमको मुक्त रखने वाली, और इसलिए सबको अपना मानकर सबको समा लेने का स्वभाव देने वाली वही है। उस भारत माता के प्रति अपने मन में एकांतिक भक्ति चाहिए, उसके लिए हमारा सब कुछ है, देश के लिए सब कुछ दे देंगे। हमारी अपनी बलि दे देंगे, हमारा सर्वस्व दे देंगे, हम किसी संकुचित हित के समर्थन में देश के विरोध में नहीं खड़े होंगे। ऐसा जीवन हमको रखना पड़ेगा। संकुचित हित संकुचित रहा तो भी हित ही है, तो हित के जब ज्वार खड़े हो जाते, भावनाएं भड़कती, तब अपना स्वयं से वो क्या करता है, वो बह नहीं जाता, वो संपूर्ण देश के भक्ति में अपने दोनों पैर अड़िक रखता है, संपूर्ण समाज के प्रति अपनत्व आत्मीयता की भावना लेकर किसी प्रकार का वैषम्य विरोध उद्वेलन समाज में खड़ा नहीं होने देता, क्योंकि वो 24 घंटा जीवन में वैसा आचरण करता है, सबको अपना मान के वैसा देखता है, किसी के प्रति मन में किसी प्रकार का भेद नहीं बरतता है, सब भेदों का विरोध करता है, निस्वार्थ जीवन देता देता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, तब वो अपने आप को राष्ट्रीय कहलाता है। और वो स्वयंसेवक है, उसका ये आचरण बाद में अपने को कुछ मिलेगा इस आशा से नहीं है, स्वार्थ के कारण वो स्वयंसेवक नहीं है। बहुत बड़ी मात्रा में युवा आ रहे हैं, कभी कभी एक आधा पूछ लेता है शाखा में, संघ में आने से हमको क्या मिलेगा। जब मैं होता हूं सामने, मैं साफ साफ बताता हूं कि संघ में आने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो आपके पास थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। यूं मान लीजिए कि लौकिक जीवन की बर्बादी भी हो सकती है, हिम्मत है तो आओ,
कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आपनों चले हमारे साथ। संघ का अपील क्या है? संघ का अपील यही है, किसी मजबूरी के कारण संघ के स्वयंसेवक मत बनो, किसी उपद्रव के भय से संघ के स्वयंसेवक मत बनो, किसी स्वार्थ की आशा में संघ के स्वयंसेवक मत बनो। भय, स्वार्थ और मजबूरी के वश लोग संघ से दूर रहे, इसमें उनका भी भला है, संघ का भी भला है। अगर मन में लगता है ये पूरा समाज मेरा है, दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ इसका एक एक व्यक्ति, उसका सुख दुख, उसका दुख मेरी रात की नींद हराम करता है, इतनी प्रीति आत्मीयता अगर अपने समाज के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपने मन में हो, तो फिर हम स्वयंसेवक बनने का प्रयास कर सकते हैं। स्वयंसेवक की प्रेरणा स्वार्थ नहीं, मजबूरी नहीं, भय नहीं, वो उसकी आत्मीयता की प्रेरणा है। डॉक्टर हेडगेवार का संघ निकला कैसे? डॉक्टर हेडगेवार को नेतागिरी करनी थी क्या? ऐसा नहीं है। हृदय की व्यथा संघ बन फूट निकली। समाज का दुख, दारिद्र, दैन्य वो जो देख रहे थे, उसके चलते अक्षरशः रातों नींद नहीं ले सकते थे। उस हृदय की व्यथा ने संघ का रूप लिया है। इस संघ के साथ तन्मय होकर जो चलता है वो स्वयंसेवक है। उसकी प्रेरणा आत्म प्रेरणा है, आत्मीयता की प्रेरणा है, और इसलिए वो केवल सेवा का अधिकार मांगता है और उसको कुछ नहीं चाहिए, बाकी किसी अधिकार की वो आवश्यकता ही नहीं समझता। एक महात्मा जी थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके पास पहुंचे कुछ लोग, चुनाव पास में था। स्वामी राम सुखदास जी अपनी तपस्या के कारण बहुत सम्मानित थे और इसलिए बड़े बड़े लोग उनका सुनते थे, तो आए कि महाराज हमको सेवा करनी है, बस जीवन में जो करना था कर लिया, अब केवल जीवन तो बचा है, शक्ति है, समाज का भला करने की इच्छा है, थोड़ा आप उनको कह देंगे तो टिकट मिल जाएगा, कुछ एमपी वगैरह बन जाऊंगा तो हाथ में कुछ साधन आएगा, मैं सेवा करूंगा। तो महाराज जी ने उनको पूछा कि क्या साधन आएगा? तो बोले फंड आएगा, और क्या अधिकार रहेगा? तो बोले ऐसा करता हूं, तुम्हारे फंड की व्यवस्था मैं करता हूं और अधिकार मैं लिख देता हूं तुमको, तुम टिकट मत मांगो, सेवा करो, मैं हूं तुम्हारी पीठ पर। बाद में वो सज्जन फिर से नहीं आए उनको मिलने के लिए। हम ऐसे सेवक नहीं है, हमको कोई अधिकार नहीं चाहिए। चेन्नई में जब लगातार वर्षा के कारण बाढ़ आई तो स्वयंसेवक अधिकारी ढूंढने के लिए नहीं गए, किसी अधिकारी को सूचना नहीं देनी पड़ी, जो जहां था वहां से बाहर निकला। अगर उसके घर में पानी घुसा है तो अपने लोगों को थोड़ा सा सुरक्षित करके निकला बाहर और सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करने में लग गया, क्योंकि उसको कोई अधिकार नहीं चाहिए, वो सेवक है, वो सेवा ही करेगा, सेवा के बदले कभी मेवा नहीं मांगेगा। अपना जीवन ऐसा है क्या? और जीवन जब मैं कहता हूं तब चारों पहलू देखना, व्यक्तिगत जीवन ऐसा है क्या? समाज की सेवा में आपका नाम बड़ा हो सकता है, घर के लोग मानते हैं क्या कि आप सेवा प्रवृत्ति के हैं? व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आजीविका, जीवन के चारों पहलुओं में ये सेवा भाव प्रकट होना चाहिए। और सेवा भाव ऐसा है संघ के स्वयंसेवक का, वो जिसकी सेवा करता है उसको कभी लाचार नहीं बनाता, सेवा करते करते उसको सेवा देने वाला बना देता है, इतना समर्थ बनाता है, सिंहत्व जगाता है उसका। ऐसी सेवा करने वाली हम स्वयंसेवक हैं, और इसलिए हमारा हर काम स्वयंसेवक का सत्यम शिवम सुंदरम होता है। वो सत्य काम करेगा, किसी के विरोध में नहीं, किसी को मिटाने के लिए नहीं, सबको बनाने के लिए काम करेगा, काम उसका व्यवस्थित होगा, सुंदर होगा, समय पर होगा। हिसाब किताब का संबंध है तो पाई पाई का हिसाब चौक रहेगा,
स्पष्ट रहेगा, पारदर्शी रहेगा और मन की भावना हमेशा पवित्र बनी रहेगी। वो पवित्रता की भावना उस कार्य के संबंध में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में जागेगी, इतनी वो प्रभावी रहेगी। ऐसा सत्यम शिवम सुंदरम प्रत्येक काम करने वाला मैं सेवक हूं, आत्म प्रेरणा से, आत्मीयता से, ऐसा आत्मविश्वास के साथ कहते बनना चाहिए हर परिस्थिति में, हर जगह, तब हम स्वयंसेवक हैं और हम संघ है। हम संघ है यानी केवल समूह नहीं, केवल भीड़ नहीं, तो हमारा संबंध है और संबंध कौन सा है? आत्मीयता का। हमारा आचरण स्वयंसेवकों में, आपस में, परिवार में, पड़ोस में, अड़ोस में, सामाजिकता में, आजीविका के जीवन में प्रेम युक्त है। क्यों? क्या हमारा इन सबसे मोह है? हमारा कोई मोह नहीं, हमारा यह संबंध हमारी ध्येय निष्ठा के कारण है। हम एक दूसरे के आत्मीय, अभिन्न हृदय मित्र बंधु है। हम सब भारत के 121 करोड़ लोग अपनी आत्मीयता को सारी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, सारी दुनिया को भी ऐसा ही आत्मीय बनाना चाहते हैं। लेकिन किस लिए? इसलिए कि हमारा एक ध्येय है, सबके अंदर एक है, उसका साक्षात्कार करना। उस ध्येय पथ पर चलने वाले लोग होने के कारण हम एक दूसरे के साथ इतनी आत्मीयता के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के प्रति मोह नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति संघ में एक दूसरे के लिए महत्व का होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अनिवार्य नहीं होता, इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। ऐसी ध्येय निष्ठा, ऐसी आत्मीयता और उस ध्येय की साधना करने वाले साधक होने के नाते उसका अनुशासन स्वयं होके हम पालन करते, हमको बताना नहीं पड़ता। लंबे समय से आप लोग 5 बजे से यहां आए, सबको बौद्धिक सुनने का अभ्यास हो गया, या ऐसा नहीं कोई बीच में से उठकर चला जाएगा तो संघ उसका क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। लेकिन संघ को पता है कोई उठेगा नहीं, क्योंकि अनुशासन है, अनुशासन है, और वो बताया हुआ अनुशासन नहीं है, सोचकर स्वीकार किया हुआ अनुशासन है, आत्मानुशासन है। अनुशासन भंग किया तो कोई कार्रवाई होगी, इसका किसी को डर नहीं है। अनुशासन लागू करने के लिए कोई नियामक समिति वगैरह नहीं है, जो बताना है वो बताया है और बाकी सब स्वयंसेवकों के विवेक पर छोड़ दिया है। लेकिन स्वयंसेवक है कि जो बताया है उसका एक एक शब्द ध्यान में लगकर वैसा ही आचरण अपनाओ, ऐसा प्रयास जीवन भर करते हैं, क्योंकि वो अनुशासन है, आत्मानुशासन। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनकर हम चले, ये अगर जीवन का उदाहरण हमने खड़ा किया तो फिर आचारात किम नु साध्य थे, आचरण से क्या नहीं साध्य होता? वही परम ज्ञान है, वही परम तप है, वही यज्ञ है, उससे सब कुछ सिद्ध होता है। अपना आचरण हम बनाए रखे और ऐसे आचरण वाले स्वयंसेवक गांव गांव में, गली मोहल्ले में खड़े करने के लिए अधिक समय दे। मैं अपने आचरण को ऐसा बनाऊंगा और ऐसे आचरण को देशव्यापी बनाने के लिए अपना समय निकालूंगा, सब स्वयंसेवक अधिक समय देंगे, उनको समय देने के लिए प्रवृत्त करने वाले कार्यकर्ता समूह वो भी अपना समय बढ़ाएंगे और ऐसा काम करने के लिए अधिक लोग पूर्ण समय देने वाले खड़े हो जाएंगे। जो संपर्क करेंगे लोगों से, आत्मीयता जोड़ेंगे, मित्रता जोड़ेंगे, दोस्ती करेंगे, कोई भाषण देने की जरूरत नहीं, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं, अपने जीवन का उदाहरण सामने रहेगा। कई बार ऐसा होता है,
बहुत प्रश्न लेके कभी कभी विद्यार्थी महाविद्यालय में विद्यार्थी वगैरह आते अपने अधिकारियों के सामने, मैंने स्वयं देखा है ये होते हुए, कुछ प्रश्न पूछने हैं, बिठा दिया हमने अधिकारियों के सामने, बैठ गए, फिर पूछा अधिकारी ने क्या प्रश्न है बताओ, तो पहली प्रतिक्रिया थी आपको देखकर सब प्रश्न हल हो गए। देख के क्या हल हो गए? जीवन देख के हल हो गए। अब शब्दों के उत्तर प्रश्न चलेंगे लेकिन मन में तो हल हो गया सब दर्शन मात्र से। ऐसा प्रभावी व्यक्तित्व स्वयंसेवकों का संघ ने खड़ा किया है, हमको हमारा अपना खड़ा करना है, जिसके आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष के इस समाज को विश्व कल्याण का अनुशासन धर्म सारे विश्व को देने वाला समाज इस नाते विश्व गुरु बनाकर खड़ा करेंगे और उसके कर्तृत्व से सारी दुनिया के अब्जावधि कंठों से जयकार फूटेगी अपने आप, विश्व गुरु भारत माता की जय। यह हमको करना है, यह हमारा व्यक्तिगत संकल्प है, यह हमारा सामूहिक संकल्प है, यह हमारा एकमात्र जयघोष है। उसकी पूर्ति के लिए आज हमको अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाना है हम सोचे, हम उसका विचार करें, हम उस परिवर्तन के सारे नियमों में अपने आप को ढालते चले जाएं, धीरे धीरे, एकदम होगा नहीं, गढ़ते गढ़ते जीवन बनता है। स्वयं प्रेरणा से माता की सेवा का व्रत धारा है, सत्य स्वयं सेवक बनने का सतत प्रयत्न हमारा है, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ये जीवन हुआ तो सारी बातें ठीक हो जाएंगी।